हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑन कंपैरिजन ऑफ वेरियस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया, ये भी क्वेश्चन जो है वो अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास चार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी है, F1n दी है 2n, F2n दी है n पावर 3/2, n log n, n पावर log n, और हमने करना क्या है, अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये मेरे पास चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको दो तीन चार जितनी भी यहाँ पे दिए हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, सबसे पहले आपको याद रखनी है ये सीरीज। अब इस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखो तो F1n 2n विच इज एक्सपोनेंशियल, तो आप क्लियरली कह सकते हो कि अगर मेरे को इनको अरेंज करना है ना इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 2n जो है वो सबसे बड़ी टर्म यहाँ पे आ रही है। लेकिन इनकेस अगर आपको नहीं भी याद, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप पुट करो n की वैल्यू। लेट्स से मैं n की वैल्यू को पुट कर रहा हूं 16। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू को 16, 256, 1000 ये क्यों पुट करते हैं, जनरली हम यहाँ पे पुट करते हैं 2^2 में। उसका रीजन पता क्या है, क्योंकि log 2 है तो log 2 है, और अगर हम n की वैल्यू को 2^2 में पुट करेंगे ना तो सॉल्व करना इजी हो जाता है, नहीं तो आपको अननेसेसरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे विदाउट कैलकुलेटर आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे 2^16 हो गया, n की वैल्यू को पुट करो, यहाँ पे 16^3/2 हो गया, यहाँ पे 16 × log 16 बेस 2 कितना होता है 2^4, 16 होता है तो 4 हो गया, और यहाँ पे 16^log n, log n कितना है 16, यानी 4 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है इन चारों में से सबसे बड़ी टर्म जो है वो आपकी 2^16 है, बिकॉज इट इज अ एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहां पे बात करें तो दूसरी देखो टर्म यहां पे कौन सी बड़ी आती जा रही है, ये टर्म जो है वो 16^4 है, और ये जो है 16 × 4 है, और ये 16^3/2, कहीं ना कहीं इन दोनों में यहां पे अभी भी मेरे पास जो है वो कंफ्यूजन आती जा रही है, लेकिन ये वाली टर्म जो है वो क्लियरली दिख रहा है इन दोनों से बड़ी है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि जो F4 है दैट इज n पावर log n, ये जो टर्म है वो किससे जो है वो छोटी है, लेकिन इन दोनों टर्म से क्या है वो बड़ी है। लेकिन अगर आपको फिर भी कंपेयर करना है, लेट्स से एक मैं और वैल्यू पुट कर लेते हैं, n की वैल्यू को 256 पुट कर लो। अब 256 अगेन मैंने क्यों पुट की है, क्योंकि 2^8 क्या होता है 256, यहां पे पुट करते हैं 256^3/2, यहां पे पुट करते हैं 256 log बेस 2 256, और यहां पे भी आप पुट करके देख लो 256^log बेस 2 256, अगर आपको इन केस अभी भी इसमें कंफ्यूजन हो। तो ये देखो 2^6 को आप क्या लिख सकते हो, 2^8 × 3/2 है, ये क्या हो गया 4, मतलब 2^12 कितना हो गया 12 हो गया। यहां पे 2^8 × log 256, 2^8 क्या होता है 250, तो यहाँ पे आ गया आपका 8, जिसको आप क्या लिख सकते हो 2^3, दैट इज 2^11। नेक्स्ट आता है 256 एंड log 256 क्या होता है 8, 256^8, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दिस इज 2^12 विच इज 4096 काइंड ऑफ, 2^11 this is 2000 something and this is 256^8 which is much bigger than these two। तो यहाँ पे हमने सही लिखा है कि ये जो है वो 2^n से तो छोटी है लेकिन इन दोनों से बड़ी है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली जो टर्म है n^3/2, ये टर्म जो है वो बड़ा आंसर दे रही है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा n^3/2, और फाइनली आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा n log n, मतलब F3 जो है वो सबसे छोटा है, देन F2, F4, F1, यानी आंसर आपका आएगा D। लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, वैल्यूज अगर आप नहीं पुट करना चाहते, वैल्यूज को हमेशा याद रखना, छोटी वैल्यूज पे आंसर नहीं आता, बड़ी वैल्यूज पुट करके देखो तो बड़ी वैल्यूज पे आपको डिफरेंस क्लियर होता जाएगा, तब आपको पता लगता है कि कौन सी डोमिनेटिंग टर्म है। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हो ना, तो n^3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, n × n^1/2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 3/2 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं n log n, ये तो ऑलरेडी n log n ही है, तो ये n से n कट गया, ये बन गया आपका √n, ये होता है log n। n^1/2 देखो n^1/2 का है ये रहा, log n का है ये रहा, तो देखो log n जो है वो इससे छोटी है, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो √n जो है वो बड़ी टर्म है, √n मतलब ये वाली जो है वो बड़ी टर्म है एज कंपेयर टू दिस, तो इसीलिए हमने यहां पे लिखी है। और अगर इन केस आपको n log n दिख रहे हैं, n log n मतलब n की पावर log n, n की पावर का मतलब है n log n ये रहा,
और n की पावर, अब यहां पे n की पावर 2 है लेकिन यहां पे n की पावर log n, मतलब ये n की पावर log n कहीं ना कहीं यहां पे होगी, इससे बड़ी लेकिन इससे क्या होगी छोटी वैल्यू जो है वो यहां पे हो सकती है। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, जब भी पावर में आ रही है तो पावर ऑब्वियसली बड़ी होगी एज कंपेयर टू दीज वैल्यूज। तो आप इस तरीके से जो है वो सिंपलीफाई करके या वैल्यूज को पुट करके आप आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।